उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नया जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द लागू होगा, जिसके बाद दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति का राशन कार्ड 4 सदस्यों तक सीमित होगा और वह किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। कानून लागू होने के साल भर के भीतर सभी सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय निकाय चुनाव में चुन रहे जनप्रतिनिधियों को एक शपथ पत्र देना होगा कि वो नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। शपथ पत्र देने के बाद अगर वह तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो ड्राफ्ट में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने और बर्खास्त करने तक की सिफारिश की गई है। हालांकि तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं है। दो बच्चों की पॉलिसी का पालन करने वाले और स्वैच्छिक नसबंदी करवाने वाले अभिभावकों को सरकार खास सुविधाएं देगी। उत्तर प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। कोरोना के घटते मामले के बाद यह फैसला लिया गया है। अब यूपी में बाजार सामान्य रूप से खुलेंगे। इससे पहले शनिवार का लॉकडाउन हटा दिया गया था। गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर को बड़ी सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में कई नई योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमनाथ समुद्र दर्शन, पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और नवीनकृत अहिल्याबाई होलकर मंदिर का उद्घाटन किया। साथियों, आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस भव्य संरचना को देखता है तो उसे केवल एक मंदिर ही नहीं दिखाई देता, उसे एक ऐसा अस्तित्व दिखाई देता है जो सैकड़ों हजारों सालों से प्रेरणा देता रहा है, जो मानवता के मूल्यों की घोषणा कर रहा है। एक ऐसा स्थल जिसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने प्रभास क्षेत्र यानी प्रकाश का, ज्ञान का क्षेत्र बताया था और जो आज भी पूरे विश्व के सामने ये आह्वान कर रहा है कि सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितने भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ने लगा है। दूसरी लहर के चलते देश में तबाही मचा चुकी कोरोना की दूसरी लहर एक बार फिर से सख्त होती दिख रही है। देश में जहां एक और कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, वहीं डेल्टा वेरिएंट के केसेस में भी दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी लगातार बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली एम्स अस्पताल के डायरेक्टर और सीनियर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि लोगों को एक बार फिर से कोरोना के प्रति सावधान होने की जरूरत है। उनका कहना है, जब तक बहुत जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें। अगर आप किसी काम से घर से बाहर जा रहे हैं तो अच्छी तरह से मास्क पहने, लगातार हाथों को साबुन से धोते रहें और अगर आप बाहर किसी चीज को छू रहे हैं तो तुरंत सैनिटाइजर का प्रयोग करें, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे प्रमुख है। एम्स चीफ ने साफ कर दिया है कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया था। 21 अगस्त तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब 28 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। ओडिशा में कोरोना संक्रमण के आज 986 नए मामले सामने आने के साथ ही 69 लोगों की मौत हो गई है। नए संक्रमित मरीजों में 574 लोग क्वारंटाइन से हैं, जबकि 412 स्थानीय लोग संक्रमित हुए हैं। नए संक्रमण के मामलों में 128 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है। बेबी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में 12 से 17 साल के बच्चों की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की अनुमति मांग ली है। कंपनी ने इसके लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को आवेदन भेजा है। देश में कोरोना का कहर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 36,571 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए, वहीं 540 लोगों की मौत हो गई। रिकवरी रेट बढ़कर 97.54% हो गई है। देश में वर्तमान में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,63,605 है, जो पिछले 150 दिनों में सबसे कम है। रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व वाले विरासत वृक्षों को वन विभाग राखी बांधेगा। प्रदेश भर में लगभग 900 से अधिक विरासत वृक्ष हैं। 100 साल से अधिक उम्र वाले और ऐतिहासिक महत्व वाले पौधों को विरासत वृक्ष की लिस्ट में रखा गया है। 22 से 29 अगस्त तक बांधी जाएगी राखी।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जिला पंचायत की हुई बोर्ड बैठक में जिले का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव लखनऊ भेजे जाने की खबरों पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इसको लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। छात्रों का कहना है कि अगर अलीगढ़ का नाम बदला गया तो सबसे पहले एएमयू स्टूडेंट्स आकर विरोध दर्ज कराएंगे। रिपब्लिकन पार्टी के 24 से अधिक सेनेटरों ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के अरबों डॉलर के संवेदनशील सैन्य उपकरण तालिबान के हाथ लगने को लेकर जो बाइडेन प्रशासन से जवाब मांगा। गाजियाबाद के कविनगर कोतवाली पुलिस ने आरडीसी स्थित देविका चैम्बर्स में हुई 45 लाख रुपए की डकैती मामले में हापुड़ से पूर्व विधायक के बेटे समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 38,30,000 की नकदी भी बरामद करने के साथ बाकी रकम की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने का काम शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में पर्यटक क्षेत्र सहस्त्रधारा, गुच्छुपानी और मसूरी में किसी भी पर्यटक को तालाब, नदी, झरने में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दिशा निर्देशों के अनुसार मसूरी में व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल और होमस्टे में उपलब्ध कमरों के अनुरूप वीकेंड पर अधिकतम 15,000 पर्यटकों को ही अनुमति दी जाएगी। नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी एसडीएम और पुलिस अफसरों समेत स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देशित किया गया है। अमेरिका ने अगले माह संयुक्त राष्ट्र महासभा में व्यक्तिगत रूप से बोलने के लिए अपने नेताओं या सरकार के मंत्रियों को न्यूयॉर्क भेजने की योजना बना रहे 150 से अधिक देशों से आग्रह किया है कि वे वार्षिक उच्च स्तरीय कार्यक्रम को टाल दें। अमेरिका ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के कारण ये नेता वीडियो संबोधन देने के विकल्प पर विचार करें। अमेरिकी मिशन की ओर से संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों को भेजे गए एक नोट में यूएन की अन्य सभी बैठकों और इससे इत्र होने वाले कार्यक्रमों को ऑनलाइन करने का आह्वान किया गया है। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.